कमलेश जी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदू, इनको तृप्तिकरण के तहत दबाया जा रहा है, वे बड़े प्रेशर में काम रहे, इसलिए उनके बारे में कोई गलत ना सोचे। देखिए एक बात बताऊं, नेता तो नेता होता है, अडवाणी आदि को ने तो नहीं दबाया मोदी को, मोदी तो 13 साल ही मुख्यमंत्री रहे ना, मोदी को हटाना भी चाह रहे थे वाजपेयी जी। आपको अपनी छवि निखारनी पड़ेगी, दब दब के रहोगे तो पूरा। अब इनके दबाव में इन्होंने अपना हिंदू युवा वाणी ही खत्म कर लिया, उसके नेताओं को जेल में डाल दिया, अपनी ही पार्टी मतलब जिस हिंदू युवा वाणी के कारण 2007 से पूर्वांचल में दंगे नहीं हुए उसको ही खत्म कर लिया। तो ये तो, और 302 का केस इनका खुलवा रहे हैं। तो आपको तो इनके दादा गुरु थे, और केंद्र में थे वाजपेयी की सरकार और यूपी में था कल्याण सिंह की सरकार, अब दोनों तरफ अपनी सरकार पीछे भी है, और योगी को गिरफ्तार करने के लिए यूपी पुलिस चली गई। महंत अवैद्यनाथ ने आडवाणी को फोन किया, आडवाणी थे गृह मंत्री, मेरी किताब में है राजयोगी में रेफरेंस के साथ, फोन किया कि अगर योगी गिरफ्तार हुआ, और पूरे मठ को घेर दिया गया। देखो ये होता है नेता, दोनों तरफ भाजपा, आडवाणी वाजपेयी बड़ा नेता, कल्याण सिंह बड़े नेते, अगर योगी को छुआ गया तो सरकार आपकी गिरा देंगे। अडवाणी जी ने तुरंत आदेश दिया, तुरंत पुलिस लौटी छोड़ा। तो आपको अपनी दबंगई दिखानी पड़ेगी, कुचल कुचल के दब दब के रहोगे तो आपको दूसरा खा जाएगा, राजनीति तो खाने का ही काम है। तो इसमें आपको अपनी दबंगई से काम, किसी एक नेता के पीछे चलने पर, अडवाणी के पीछे मोदी चलते क्योंकि मोदी को बढ़ाए अडवाणी ने, तो मोदी मोदी नहीं बन पाते। तो अपनी पहचान तो इनको बनानी पड़ेगी, अपनी हाइट पे ले जानी पड़ेगी। अगर इनको खत्म करने का प्रयास किया तो अपना रूप दिखाना पड़ेगा, तभी ये बच पाएंगे, वरना वो दोनों नेता मिलके पूरा नॉर्थ इंडिया का भाजपा नेता को गड़प करके खत्म कर चुके।